शिक्षा के मंदिर में नए प्रवेश होने वाले हैं और नए छात्र छात्राओं के आने से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान योजना की खुले आम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के विभिन्न हिस्सों और भवनों के बाहर कचरे के ढेर महीनों से लगे हुए हैं और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का सामान्य प्रशासन विभाग अपना आलस नहीं छोड़ रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों, कर्मचारियों व शिक्षकों में भारी असुविधा हो रही है। छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा ने पूरे मामले को लेकर डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर अरविंद पारिक को लिखित में अपनी शिकायत की है। विश्वविद्यालय के अंदर नया सत्र शुरू होने को जा रहा है और नए विद्यार्थियों के प्रवेश से पहले आने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं तथा पतंजलि भवन के बाहर 60 से 70 फुट लंबी जो है नाला बंद पड़ा है, पूरा पानी से भर रखा है, जिसकी वजह से मच्छर फैल रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा है स्टूडेंटों को। इसके लिए आज मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित में दिया है, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। और यूनिवर्सिटी प्रशासन रजिस्ट्रार और कार्यवाहक रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार आलस से नहीं उठ रहे हैं, इनको कुछ ही पता नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कोई यूनिवर्सिटी की सुध नहीं जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों रुपए का टेंडर हो रहा है, पर इन लोगों की मिली भगत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर साफ सफाई नहीं हो पा रही। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।